को ढकने के लिए केवल आपको मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बात बोल रहे हैं पूरा। आपको अगर सचमुच में इस राज्य के जनता के बारे में और जल जंगल के बारे में चिंता है तो ये तमाम लोगों पर भी कार्रवाई करने की मांग आपको करना चाहिए। आप अभी बोलोगे कि आपकी सरकार है कार्रवाई नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि भाई सरकार इस पर, मैं ये भी कहूंगा आपको कि सरकार इन तमाम चीजों पर भी, जब सरकार पर आरोप माननीय हेमंत सोरेन पर लग रहा है तो सरकार को भी इन चीजों पर कार्रवाई, इन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास केवल राजभर में इतना लूट, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग हैं, पैसा लगाते हैं, मैं जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं इन्हें लगाते हैं, इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का भी सीरिया का 23 डिसमिल जमीन, 23 एकड़ जमीन जो प्रबुद्ध गृहनगर आपका सहकारिता समिति के द्वारा किया गया है, उसके बारे में जांच के बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगा। नोभा नगर कोई देख लीजिए, मेरा बनोरे जगह है नोभा नगर, आप जितने भी बड़ा बड़ा जगह हो आपके पास बुद्धि है बोल करके आप सबको सहकारिता सहकारी समिति बना करके जमीन को आप कब्जा कर देंगे। आपको देखे मुरली पहाड़ में देख लीजिए, हरिजन लोगों का जमीन लूटा गया पूरा इकरार करके, उसी तरह से आपका टोनको में 22 एकड़ लूटा गया। ये तमाम जमीनों के बारे में बीजेपी के पास में बोलने का उसके पास बोलने का उसके हिम्मत नहीं है। उसको हिम्मत है तो मैंने दावे के साथ इतना इतना बुराई के साथ कहा हो, ये तमाम चीजों पर बीजेपी के लोग बीजेपी को इसको भी जांच करने का मांग उठाया करें। आप केवल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बोल करके बाकी चीजों को डाइल्यूट कर रहे हैं। और सवाल है, अगर ऐसा है तो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, जब से राज बना है तब से कोई भी अधिकारी, वैसे अंचलाधिकारी कोई भी अधिकारी हो, बड़े से बड़े पदाधिकारी, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, हमारा पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का नेता, सबकी जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सरकार है आपकी जांच हो, तो मैं सरकार से भी यही बात कह रहा हूँ, सरकार इस बात को अविलंब, सरकार को इन चीजों को ध्यान रखते हुए जांच करे और कांग्रेस पार्टी की सब चीजों में कभी समझौता नहीं करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।